वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अनवांटेड हेयर रिमूवल की। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो फेस पे, चेहरे पे जो अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनते हैं, इनको कैसे रिमूव करना है। बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, तुअर की दाल हर घर में इजीली अवेलेबल है। तुअर की दाल लेनी है आपको, एक कप तुअर की दाल, और इसको भिगो के रख देना है। रात भर इसको भिगो के रख दें, इसको अच्छी तरह से छान लेना है, एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है, और उसके बाद एक ग्राइंडर में डाल के इसको रख देना है, और इसमें मिलाना है एक कप आलू का जूस। आलू की खासियत ये होती है कि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप आलू का जूस रेगुलर अप्लाई करते हैं तो जो आपके बालों का कलर है वो ब्लीच का काम करता है। धीरे धीरे वो कलर स्किन की तरह होने लगता है और ये जो बाल हैं ये दिखने बंद हो जाते हैं। जो अगर काले बाल हों तो ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा विजिबल होते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर ब्लीच हो जाए और स्किन के कलर में आ जाए तो वो ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो हमने एक कप तुअर की दाल ली है, ग्राइंडर में डाली है, उसमें हम डालेंगे एक कप आलू का जूस। इसके साथ ही इसमें डालना है 4 बड़े चम्मच नींबू का रस। अब इन सबको पीस कर पेस्ट बना लेना है, और ये पेस्ट निकाल लें आप एक बर्तन में। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद मिक्स कर दें। इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे अप्लाई करना है पूरी तरह से। पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपके अनवांटेड हेयर हैं वहाँ वहाँ अप्लाई करें, और उसके बाद इसको सूखने देना है। जब ये सूख जाता है तो बालों की ग्रोथ के अपोजिट साइड में, जैसे कि ऐसे, आपको इसको अप्लाई करना है और इस तरह से रगड़ के इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद मुंह धो लें, सूखने दें, आधा 1 घंटा रुकें और दोबारा अप्लाई करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो प्रयोग है 1 दिन में 3 से 4 बार आपको करना है। तो जब जब आपको टाइम मिले बार बार ये पेस्ट लगाएं, सुखाएं, निकालें। 1 दिन में 4 बार आप इसका प्रयोग करें, और हफ्ते में आप 2-3 दिन तक इस प्रयोग को कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये जो अनवांटेड फेशियल हेयर हैं ये रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा एक रेमेडी आप और ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल रेमेडी है। 2 चम्मच शक्कर ले लें, इसमें डालें 10 चम्मच पानी, और आप चाहें तो इसको गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें, और अपने चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई करें। अप्लाई करके जब सूख जाए तो रगड़ रगड़ कर आपको निकालना है। थोड़ा सा पेनफुल होगा लेकिन निकाल लें। अगर आप इसको गर्म नहीं करते तो सिंपल घोल के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए अगर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा, जो चिपचिपा पेस्ट बन जाएगा, और वो चिपचिपा पेस्ट आप लगाकर और रगड़, अगर वो सिंपल भी लेकर आप इस तरह से रगड़ेंगे गोल 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 अपने पूरे बालों पे, तो भी धीरे धीरे आपके फेशियल हेयर निकलने लगेंगे। एक रेमेडी और बता देता हूँ मैं आपको, एग वाइट ले लें, अंडा फोड़ के उसका वाइट पोर्शन ले लें, और उसमें 2 चम्मच शुगर मिला दें। 1 एग वाइट में 2 चम्मच शुगर मिलाकर अच्छी तरह से इसको घोल लेना है। जब शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए उसके बाद इसमें 1 चम्मच आपको कॉर्न स्टार्च डाल देना है, और इसको मिक्स कर लें, थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए, जैसे केक का बैटर होता है इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाए। अब ये पेस्ट आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये एक फेस मास्क जैसा तैयार हो जाएगा। जब ये सूख जाए, पूरी तरह से इसको सूख जाने दें, उसके बाद जैसे मास्क उतारते हैं इस तरह से आप इसको उतारें। इसमें क्या होगा, एक बार में तो आपको बाल नहीं निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस मास्क का इस्तेमाल करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो आपके बाल हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, और कुछ ही दिनों में ये जो अनवांटेड हेयर हैं वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। ये तो हो गई बात फेशियल हेयर की। अब हाथों के, पैरों के कई जगह पे अनवांटेड हेयर होते हैं, कुछ लोगों के कंधे पे हैं, कुछ लोगों की पीठ पे है। ये सारे बाल कैसे निकालने हैं ये मैं आपको बताऊंगा किसी और एपिसोड में। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, तुरंत असर करने वाली रेमेडीज़ हैं, तो कहना बिल्कुल आसान उपाय। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं, और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।